Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I will teach you the formation of the sentences, how to make any types of sentences. एक structure आपको बताऊंगा और उस structure से आप किसी भी sentence को English में चुटकियों में आप अनुवाद कर सकते हैं. Okay friends, so video को शुरू से अंत तक देखना, आप बीच में quit मत करना अगर आप सचमुच English सीखना चाहते हैं तो. So let's start the class of the day. फ्रेंड्स, एक ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जिसको आप समझकर किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, वो भी सेकेंड रो में. ओके फ्रेंड्स, वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. ये स्ट्रक्चर्स है क्या? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को फिर धड़ल्ले से बना सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं. ओके फ्रेंड्स, इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप ध्यान से देख लीजिए, ये 24 हेल्पिंग वर्ब हैं. ये जो सेंटेंस में आएंगे तो इनका इस्तेमाल हम कब कहाँ करेंगे, किस सेंटेंस के लिए, वो अभी हम आपको सेंटेंस बनाते वक्त आपको समझा देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब थे, 24 के 24 यानी 24 हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में होते हैं. अभी हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करेंगे. स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं पहले. स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद अदर्स. ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो, उसके बाद हम सारे सेंटेंसेस को इसी एक स्ट्रक्चर्स पे बना देंगे. ओके फ्रेंड्स, सिर्फ इसको आप समझना. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह आम खा रहा है. ओके, वह आम खा रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता का मतलब होता है जो काम कर रहा है. इसमें वह क्या कर रहा है? आम खा रहा है, मतलब खाने का काम वह कर रहा है, यानी कि इसमें मेन जो हो गया, ये एक सेंटेंस है, समझ लो एक क्रिकेट का टीम है ये, वह आम खा रहा है, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं. इसका जो कैप्टन है वो वह है, क्योंकि वह यही काम कर रहा है इसमें. ओके, वही जो मेन काम है वो यही कर रहा है. जो वर्ब है वो खाना है, और जो ऑब्जेक्ट है वो आम है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है. मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट ही. ओके, पहले ही लिखेंगे, ही हो गया सब्जेक्ट. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ इज लगता है हमेशा, किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, आई और यू को छोड़ के, अगर कंटिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस तो. उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, खाना है, खाना मतलब ईट, ये कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, इसलिए इसमें आई एन जी लगेगा. किसी भी सेंटेंस में अगर कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसके वर्ब में हम आई एन जी जरूर लगाते हैं. ही इज ईटिंग, अभी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, मैंगो. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसमें अदर्स नहीं है इसलिए मैंने इसमें अदर्स नहीं लिखा है. ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं. ऑब्जेक्ट वो चीज़ है, जैसे कि वह खा रहा है, वह हो गया सब्जेक्ट, खा रहा है मतलब खाना मतलब हो गया वर्ब, और क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो वो आम हो गया ऑब्जेक्ट. ओके फ्रेंड्स, कोई भी चीज़. ओके, अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में थोड़ी सी आइडिया मिल गई होगी, और पूरा सेंटेंस हम जब बनाकर चर्चा करेंगे तो आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं रखते हैं. ओके, बिना हेल्पिंग वर्ब के, जैसे यही सेंटेंस ले रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम यानी यहाँ पर पढ़ाना हो गया, पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया. मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसको, मुझे पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाना हो गया वर्ब,
और किसको पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरे पिताजी, माई फादर। उसके बाद इसमें हम वर्ब लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो माय फादर टीचेस मी, टीचेस ऑब्जेक्ट हो गया मी। अगर इसमें हम अदर्स की बात करें, अदर्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी मुझे रोज पढ़ाते हैं, तो माय फादर टीचेस मी एवरी डे। तो एवरी डे अदर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे पिताजी मुझे रोज रात में पढ़ाते हैं, तो माय फादर टीचेस मी एवरी नाइट। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के बाद हम सब लिखते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे सब, हम बीच में कहीं नहीं घुसाएंगे। चाहे सेंटेंस को आप कितना भी लंबा कर दो, इसी स्ट्रक्चर्स पर आप बनाते चले जाएंगे और बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें आप बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, इसमें मेन जो है इस टीम का जो कैप्टन है वे लोग है, और वे लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना हो गया वर्ब। और इसमें ऑब्जेक्ट, वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो दे सब्जेक्ट पर लिखेंगे दे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब। ये चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए आर लगेगा, एक वचन होता तो इज लगता, ये बहुवचन है यानी कि प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। दे आर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस लिखता हूं जिसमें वर्ब नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे उसका घर बहुत बड़ा है, उसका घर बहुत बड़ा है, इसमें सब्जेक्ट है उसका घर। ओके, उसका घर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके घर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया उसका घर। तो उसका घर हम बोलेंगे हिज हाउस। उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब के रूप में है, मतलब एक की बात हो रही है इसलिए इज लगेगा सिर्फ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसमें उसके बाद कोई वर्ब सेकेंडरी वर्ब नहीं आ रहा है। तो हिज हाउस इज वेरी बिग, ये अदर्स में आ गया। ओके फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, जहाँ पर काम करने की बात होती है वहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, जहाँ काम करने की बात नहीं आती वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता, अदर्स में रखते हैं उसको। एडजेक्टिव आ सकता है वहाँ पर, नाउन आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब हम इन सारे सेंटेंसेस को एक एक करके बनाएंगे, आप उनको ध्यान से देखना और समझते जाना कि उसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और उसमें अदर्स क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने सेंटेंस बना लिया था, मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सिर्फ मैं और गाता हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया और गाना वर्ब हो गया, इसमें न तो ऑब्जेक्ट है न अदर्स है। आई सिंग, वर्ब को अगर आप पहचान नहीं सकते हैं तो वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी इसमें वर्ब है, यानी कि लास्ट में काम करने की बात की जा रही है, गाता हूँ, खेलते हैं, आता है, तो उसमें ना लगा के आप देखो, खाना, खेलना, आना, जाना, जितने भी खाना पीना ना वाले वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में ना आता है वर्ब, वो वर्ब होता है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी वर्ब होते हैं उसमें ना आता ही आता है, अगर हम उसको नाउन की तरह बोले तो। जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना, खेलना कूदना, गाना, रोना, हंसना, ये सब ना आ रहा है, ये सारे के सारे वर्ब हैं, वो सारे क्रिया कहलाते हैं, यानी वर्ब कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको वर्ब में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वर्ब को पहचानने में, और ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह दूध पी रहा है तो ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वह सब्जेक्ट हो गया और इसमें वर्ब हो गया ड्रिंकिंग, और हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो दूध हो गया ऑब्जेक्ट मिल्क। ओके फ्रेंड्स,
राजू ने मुझे देखा, राजू ने मुझे देखा। राजू यहाँ पर टीम का जो कैप्टन है वो राजू है, राजू सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे राजू, उसके बाद मुझे देखा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो राजू सॉ मी, सॉ हो गया वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। आप ध्यान रखना, अगर कहीं किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो आप उसमें ज़बरदस्ती हेल्पिंग वर्ब मत घुसा देना। उसमें जैसे बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पर चाहिए आ रहा है लास्ट में। चाहिए का मतलब होता है शुड या मस्ट। अगर हम ज़रूर या अवश्य लगाकर बात करते हैं तो वहाँ पर मस्ट लगाएंगे, और सिर्फ चाहिए की बात कर रहे हैं यानी किसी को हम सजेशन देने की बात कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, किसी को हम सलाह दे रहे हैं, तो वहाँ पर चाहिए के लिए शुड या मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। यहाँ पर यू हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब, और गो हो गया वर्ब, यू शुड गो। मैं दूध पी रहा था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग वर्ब और मिल्क ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, उसके पास एक बंदूक है। अभी पास रखने या पास होने का जब बोध हो किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, जब पास कोई चीज़ पास होने या रखने का यानी उस चीज़ पे अधिकार होने का बोध हो, तो उसको हम हैज और हैव से बनाते हैं। हैज और हैव, हैज कब लगाते हैं? आई और यू को छोड़कर सभी एक सब्जेक्ट के लिए यानी कि एक वचन के लिए हैज लगाते हैं और सबके साथ हैव लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है उसके पास एक बंदूक है, ही हैज अ गन। यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और इसमें वर्ब नहीं है तो ही हैज ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गन। वो क्या रखता है? गन। तो ही हैज अ गन, गन हो गया ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तुम इसे ले सकते हो जिस सेंटेंस में भी सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ ऐसा रहे, उसमें कैन लगा दो बिंदास। ओके फ्रेंड्स, कैन लगाओ, तुम इसे ले सकते हो, तुम इसे ले सकते हो। यू सब्जेक्ट हो गया, यू कैन टेक इट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, टेक हो गया वर्ब, और इट यानी कि इसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, यू कैन टेक इट। मुझे मुंबई जाना है, जब भी सेंटेंस जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, सोना है ऐसा अगर आए तो उसको हम हैज टू और हैव टू लगाकर बनाते हैं। अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि हैज कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं, पर इसके साथ टू लगाना है और इसमें वर्ब ज़रूर होता है। तो मुझे मुंबई जाना है, आई हो गया सब्जेक्ट और उसमें हेल्पिंग वर्ब, हैव हो गया आई हैव, फिर उसके बाद टू लगाना होता है, आई हैव टू गो टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, आई हैव टू गो टू मुंबई। ओके, मैंने खाना खा लिया है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने इट मीन्स आई, आई हैव ईटन फूड, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ईटन वर्ब, और फूड हो गया वहाँ पर ऑब्जेक्ट। वह मुझे पैसे देगा, वह मुझे पैसे देगा, जब भी सेंटेंस के अंत में गागे की रहेगा समझ लेना वो फ्यूचर टेंस है। ही विल गिव मी मनी। ओके फ्रेंड्स, ही हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गिव हो गया क्या वर्ब, और मनी हो गया ऑब्जेक्ट। ही विल गिव मी मनी। उसकी दुकान बंद है, उसकी दुकान बंद है, इसमें कोई भी काम होने या करने की बोध नहीं है, चर्चा नहीं की गई है सेंटेंस में, सिर्फ उसकी दुकान बंद है ये बात की जा रही है, मतलब इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो हिज शॉप, उसकी दुकान के बारे में बात हो रही है, तो उसकी दुकान यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हिज शॉप इज क्लोज्ड, हिज शॉप इज क्लोज्ड। मेरा भाई बीमार था, माय ब्रदर, यहाँ पर क्या है, माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, इल, माय ब्रदर वॉज इल। वह स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही वेंट टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब,
और स्कूल ऑब्जेक्ट। मैं नाश्ता कर रहा था, आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। आई सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग वर्ब और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट। वह पैसे नहीं दे सका, वह पैसे नहीं दे सका। अभी जब भी सेंटेंस का तुम्हें सका, सके, सकी, सके इस तरह का रहता है तो उसमें सिर्फ कूड लगा दो। ओके फ्रेंड्स, वह पैसे नहीं दे सका। ही हो गया सब्जेक्ट, कूड हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब। ही कूड नहीं है इसलिए नॉट, ही कूड नॉट गिव मनी। गिव हो गया वर्ब और मनी हो गया ऑब्जेक्ट। ही कूड नॉट गिव मनी। तुम्हें अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि जब हम किसी को सजेशन यानी कि सलाह दे रहे होते हैं तो वहाँ पर शुड या मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट ज़रूर अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए। यू हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब और लर्न हो गया इसमें वर्ब और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम एक डॉक्टर बनोगे, तुम एक डॉक्टर बनोगे। यहाँ पर लास्ट में क्या आया, गे। जब भी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आए तो उसको समझ जाना आपकी ये फ्यूचर है। फिर वहाँ पर शैल और विल का इस्तेमाल करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तुम एक डॉक्टर बनोगे। यू विल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया विल और बनोगे हो गया वर्ब। यू विल बी अ डॉक्टर, डॉक्टर हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यू विल बी अ डॉक्टर। हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। यहाँ पर कोई क्रिया होने या करने की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। वी आर योर फ्रेंड। वी सब्जेक्ट, आर इज द हेल्पिंग वर्ब और योर सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर योर फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इस एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम बहुत सारे सेंटेंसेस को, मोस्टली सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। बस आपको बेसिक नॉलेज सिर्फ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में भी जो सारे पढ़ने के बाद, सब कुछ पढ़ाने के बाद भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, उसमें मिस्टेक करते रहते हैं। कभी वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख देते हैं, कभी नॉट मेन वर्ब के बाद लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लिखते, तो कभी ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले लिख देते हैं, इस तरह से होता है। बट ये स्ट्रक्चर जब अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, तो यही एक स्ट्रक्चर है जिस पर पूरा का पूरा इंग्लिश का, जितना भी हिंदी है सेंटेंस है उसका इंग्लिश अनुवाद आप कर सकते हैं। कुछ एक सेंटेंसेस को छोड़कर सारे के सारे, मोस्टली सेंटेंसेस को आप इसी स्ट्रक्चर के द्वारा इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में अंग्रेज़ी इजिली सीखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।